अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट का तिजौरी हाइट्स को मिसमार करने का हुक्म, इमारत को मिसमार करके रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस हवाले से समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था तिजौरी हाइट्स को मिसमार करने का। तफसीलात जान लेते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। ये दूसरी इमारत थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मस्मार करने का हुक्म दिया है। आज जो तिजौरी हाइट्स के वकला उनकी जानब से अदालत को बताया गया कि वो उनके जो मालिक हैं वो इमारत को खाली करना चाहते हैं, उनको इमारत की मस्मारी के लिए उन्हें मोहलत दी जाए। अदालत ने कहा कि पहले दो हफ्ते में इमारत मस्मार की जाए, लेकिन उनका कहना है कि क्योंकि पहले अदालत की जानब से इस इमारत को सील किया गया था, लैटरीज का रिकॉर्ड और दीगर फाइलें इस इमारत के दफ्तर में मौजूद हैं, लिहाजा में मजीद मोहलत चाहिए। अब अदालत ने कहा कि चार हफ्तों में इमारत को खाली करके उसको मस्मार किया जाएगा। कमिश्नर कराची इस इमारत की मस्मारी की निगरानी करेंगे। इमारत का जो मलबा है, इमारत को जो मस्मार किया जाएगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो होगी इस इमारत तिजौरी हाइट्स के मालिक की होगी। इसके अलावा जो इलाटीज हैं जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी उनको भी अदालत ने कहा कि मुआवजे के साथ बिल्डर जो है वो रकम वापस करेगा और तीन महीनों के अंदर अंदर इन इलाटीज को जो है रकम वापस की जाएगी। अदालत ने कहा तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कमिश्नर कराची रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे। शाहिद, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।